गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू वन माइल एट अ टाइम। आज से लगभग 11 दिन पहले मैंने अपने चैनल पे एक छोटी सी स्टोरी डाली थी, डिकाला कैंपस टाइगर अटैक। आप सभी ने उस वीडियो को इतना प्यार किया और हम लोगों को इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दिए, और कॉमेंट्स के अंदर आप सब लोगों ने मुझसे बार बार एक चीज़ पूछी कि उस कहानी उस घटना के अंदर जो मेन कैरेक्टर थे मिस्टर मदन मोहन पांडे जी, उन्हें कब शो पे आप लाएंगे। मैंने लाइव सेशंस भी करे थे तो उसमें भी बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था कि ध्रुव जी आप पांडे जी को शो पे कब लेके आएंगे। तो ऊपर वाले ने आपकी बात सुन ली और आज आप सभी के लिए ऑन पब्लिक डिमांड हम आपके लिए लेके आए हैं ठिकाला कैंपस के वो कर्मचारी जिनके साथ में 26 मई 2005 की रात को जो घटना घटी गई थी। खुद ही आज मिस्टर मदन मोहन पांडे इस बात का खुलासा करेंगे कि एक्चुअली में उस रात को उनके साथ में हुआ क्या था। मैं रानीबाग गांव पहुंच चुका हूं जो काठगोदाम में है, जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। मैं खुद यहां पांडे जी के घर पे आज मौजूद हूं और उनसे बातचीत करने के लिए आया हूं। चलिए मिलते हैं पांडे जी से। तो पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। हमारे शो का नाम है वन माइल एट अ टाइम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो, इट मीन्स अ लॉट। हमारे दर्शक जो हैं वो आपसे बहुत उत्तेजित थे मिलने के लिए, और पब्लिक डिमांड पे जो छोटा सा एक मैंने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया था, एक शॉर्ट स्टोरी जो हादसा आपके साथ में हुआ था 2005 के अंदर, उसको लोगों ने बहुत प्यार दिया और हमारे को कॉम्प्लीमेंट्स दिए और हमारे को कमेंट सेक्शन में लिखा कि पांडे जी को जल्दी शो पे लेके आइए। मैं आपको लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप हमें उस रात के बारे में हर वो चीज़ बताएंगे जो आपके साथ में हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, मैं इसमें कॉर्बेट नेशनल पार्क में कुमाऊं मंडल विकास निगम की तरफ से एक संविदा कर्मचारी था, वहाँ पर शॉपकीपर का कार्य करता था, और शॉपकीपर के रहते हुए ही उस साल की जो घटना घटी, रात के करीब लगभग 10 बजे हुए थे। मैं दुकान बंद करके रूम में जा रहा था, तो इसमें कुछ ट्विस्ट की डिमांड आई या कोई हुआ, तो फिर मैनेजर ने मुझसे कहा कि आप ज़रा आइए और इन्हें सिगरेट वगैरह कुछ देनी है कुछ ट्विस्टों को। तो उस चक्कर में इधर आया तो चाबी शायद मैं नहीं लाया था, फिर मैं दोबारा जाके चाबी लेने गया तो दरवाजे पे चिटकन लगाया था, खाली ताला नहीं था। मैं चिटकन खोला था तो टाइगर ने मेरे सीधे पीछे यहाँ अटक किया, यहाँ पकड़ा, यहाँ पे, हाँ यहाँ पर उसने अपने दांतों से एड़ी पे दांतों से इधर पकड़ा मेरे दोनों। तो मैंने ये भी समझ लिया था कि मैंने कुत्ता तो यहाँ है नहीं, यहाँ किसने पकड़ लिया होगा, फिर टाइगर नहीं आया, तो ये मेरे दिमाग में आ गई थी बात। तो फिर मैंने कहा अगर यहाँ पर मैं कुछ करूँगा तो गिलेरी टाइप की थी ऐसे बंद, और कमरा था आगे से टूटा हुआ था। मैंने कहा यहाँ पर मैं करूँगा तो ये मेरे पास झपट के वो कर देगा, इसलिए मैं उसका सारे से बाहर जाके वहाँ से मैंने कहा कैंटीन की ओर को मैं जाऊँगा रेस लगा के। लेकिन मैं बाहर आया तो उसके साथ साथ, तो मैं जैसे आगे बढ़ने लगा था, उसने अपने दोनों पंजों से एक इधर से आगे के दोनों पंजों से मेरे दोनों ऐसे बिल्कुल दबा दिए दोनों, और आपको गिरा दिया नीचे। गिरा नहीं, अच्छा, मैं खड़ा ही था। मैं वो उन्हें दोनों यहाँ से दोनों दबा दिया, यानी कि मेरे को आगे नहीं जाने दिया, जाम कर दिया ऐसे, और उसने अपना सिर यहाँ से आगे डाल दिया था। मेरे हाथ के यहाँ से यहाँ आ रहा था और यहीं से गुजर रहा था, सिर ऐसे था, मतलब हमने दांत लगाना के चारा होगा। हाँ, दांत तो नहीं लग रहे थे, उस समय दांत नहीं लगाया, उसने इस पर झगड़ा और यहाँ से गुजर रहा था। लेकिन मैं कुछ चिल्लाऊँ कुछ बोलूँ, मेरी आवाज़ नहीं निकले, आवाज़ नहीं निकल पाई मेरी उसमें। पहले मैं कोशिश कर रहा था लेकिन निकल नहीं पाई आवाज़। तो उसके बाद उन्होंने फिर उसने मेरे धीरे 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 करके उसने मैंने कैप्चर किया, और उसने एक तरह से मेरे को गिराने के चक्कर में ये टांग काटी, नीचे यहाँ से ना, ये पूरी टांग यहाँ से, ये अभी भी ये पूरा घाव है, ये टांग उसने ये पूरा ही, उसमें तो पूरा ही नहीं था, अब तो ये आ गया है, खाली हड्डी बची थी इसमें, मतलब ये पूरा दांत उसने यहाँ पे अंदर, हाँ हाँ पूरा मांस ही निकाल के खा गया था, वो वहीं पर खा गया था मांस। ये तो मेरे को भी होश था ना उस समय, तो ये उसने खा लिया। मैं चिल्ला रहा था, मुँह से आवाज़ निकाला था लेकिन मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी दर्द के बावजूद भी। तो उसके बाद उसने ये गिराया, उसके बाद उसने धीरे धीरे फिर उसने मेरा ये बॉन्ड तोड़ा, जब कंधे का बॉन्ड तोड़ने के बाद मेरे को होश नहीं रहा, मैं बेहोश हो गया था। उसके बाद मेरे को कैसे ले गया क्या ले गया पता नहीं, बात है मेरे को होश आया तो मेरे को बगल में नाला था, जो नाले पे ले गया था। ये नाला एग्जैक्टली किस तरफ था, मतलब पीछे का जो ढिकाला का गेट है
ग्रासलैंड को जो खुलता ना, है ना, 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 ये कैंटीन के बगल में ही बस जहाँ पर मैं जहाँ पर उसने अटैक किया उसके बगल में ही है नाला, उसके बगल में हाँ नाला वहीं पर नाला है, उस नाले पर ले गया और वहाँ पर जब मेरे को होश आया तो मेरे को लगा मेरा सिर कोई आरी से कोई सिर काट रहा है, यानी कि सिर इस टाइप का मेरे को महसूस हुआ। वो ये होश नहीं था कि टाइगर ने मेरे को पकड़ दिया, कर दिया, कोशिश में दिमाग में नहीं था। तो काटा, मैंने कहा ये क्या हो रहा है ऐसा। वो फिर मेरे को होश आया तो मैंने कहा अरे मेरे को टाइगर ने वो कर रखा अटक और है इसे मेरा सिर फाड़ दिया, अब तो ये हो गया। तब मैंने अपने मुँह से, उस समय मेरे मुँह से चीख निकल गई, आवाज़ निकल गई, आवाज़ निकली और मेरी आवाज़ ऐसी निकली सब कहते किसी लेडीज़ की तरह आवाज़ निकली। ये कुछ वहाँ से फिर वो भी आ गई बगल से, जितने भी गाइड वगैरह रहते थे, गाइड हाँ ड्राइवर नहीं, वहाँ पर गाइड वगैरह सब जो वहाँ के गाइड हैं वो रहते थे उसमें, वो रूम गाइडों का ही था। तो उसमें से आई गाइड आए तो उन्होंने जब देखा उन्होंने कहा क्या बात हुई, किसी ना कुछ बात तो नहीं हो, कोई बदतमीजी नहीं कर रहा कहीं कुछ ट्विस्ट किया। तो बाहर आए तो उन्होंने देखा था, एक किसी ने जब मेरे को देखा तो उसने हल्ला किया, एक ने देख लिया तो उसने कहा ऐसा ऐसा हो गया, तो धीरे धीरे हल्ला हुआ तो फिर सभी लोग आ पड़े। हाँ तो इस टाइम पे मुझे पता चला था कि नंदन सिंह बिष्ट फॉरेस्ट गार्ड थे, उन्होंने सबसे पहले आपकी चीख को सुना था सिन्हा। हाँ उन्होंने ही सुना होगा ना, लेकिन मेरे को तो उतना होश नहीं है कि कौन कौन लेगी। उन्होंने ही पूरे कैंपस के अंदर हल्ला मचा दिया, हल्ला हादसा हो गया। हाँ 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 हल्ला बिल्कुल किया, अब हल्ला किया उन्होंने, सब कहा ना कि ऐसा हो गया, कैंटीन में बात की वहाँ क्या सब जगह। इसके बाद जब आप बेहोश थे, टाइग्रेस आपके ऊपर थी, जितना मैंने पढ़ा है इंटरनेट पे और बाकी लोगों से जाना भी है कि आप बेहोश थे, उसके दोनों पंजे आपकी छाती के ऊपर थे। छाती के ऊपर नहीं थे सर, वो ऐसा था मेरा सिर था उल्टा। अच्छा, पीठ के बल, पीठ के बल था मैं नीचे, अगर छाती के ऊपर होता तो गले से यहाँ और यहाँ पकड़ता तो भी बचने का मतलब नहीं था। मैं उल्टे उल्टा था, एकदम उल्टा था, उन्होंने मेरे पीछे था, मेरे पीठ पे बैठा था और पीठ से मेरे सिर फाड़ रहा था यहाँ से। अच्छा, सिर फिर काटा था, ये था शिकार, सिर काटा था उन्होंने। जब ये फायरिंग की, मशाल जलाए, जीप की लाइटें लगाई, सर्च का खूब हल्ला वगैरह किया, तब जाके दो तीन फायर के बाद तो उसने मेरे को छोड़ के ऊपर गया। और मैंने ये भी सुना था कि जब फायरिंग वो लोग कर रहे थे उससे पहले फॉरेस्ट गार्ड्स ने और गाइड्स ने उस बागिन के ऊपर पत्थर भी फेंके थे। हाँ, और उस पत्थरों को वो एक तरीके से ऐसे ऐसे करके हटा रही थी और गुर्रा रही थी, मतलब वो जाने का नाम नहीं ले रही थी पूरा भी। हाँ ये तो मेरे को उसमें होश कहाँ, इतना ध्यान नहीं है, लेकिन हल्ला कर रहे थे, सब कर रहे थे हट, इस टाइप से तो आवाज सब मेरे को सुनाई दे रही थी ना इस टाइप का। तो फायरिंग हुई, फायरिंग के बाद वो किसी तरीके से वहाँ से आपको छोड़ के निकली आगे को। अच्छा पांडे जी, इस टाइम पे ये बताया गया था कि वो अकेली नहीं थी, उसके तीन बच्चे भी उसके साथ में थे। हाँ बच्चे थे उसके साथ। तो जब ये हादसा हुआ था आपने बच्चों को उस टाइम पे देखा था उसे? ना ना ना, अंधेरे की वजह से आपने ना ना, मैंने उसके साथ उसमें वो अकेले थी, हो सकता है बच्चों के लिए वो करने के लिए करी होगी, बच्चे छोटे थे। पांडे जी उसके बाद क्या हुआ जब आपको रिट्रीव कर लिया आपके दोस्तों ने? तो उन्होंने सब पकड़ के लाए, फिर किसने यहाँ से पकड़ा, यहाँ से पकड़ा, पकड़ के ऊपर लाए, ये टांग तो बिल्कुल हाथ ही नहीं आ रही थी, उन्होंने यहाँ से पकड़ा, फिर नीचे से पूरी कटी हुई थी। तो उसी रात तुरंत आपको रामनगर के, रामनगर उसमें सिर्फ एक अभी नहीं है, उसमें दो लोगों का मुख्य हाथ है जी, जो हमारे डिपार्टमेंट के थे, उसमें एक था वारियाल, था मोहन चंद वारियाल एक का नाम, कुक था वो वहाँ पर उस समय, और एक था तुम्हारा उसका नाम था गोधन, गोधन सिंह था, वो अब इस दुनिया में नहीं है, गुजर गया है, लेकिन गोधन सिंह छोटा ही था, उसका गले में कुछ कैंसर हुआ था, गुजर गया था। उन दोनों ने लाने में, मेरे को लाने में उन दोनों का हाथ है बहुत बड़ा, उन दोनों ने हल्ला करके लाए और ड्राइवर को लेके वो गेट वेट खुला के हमें लाए यहाँ से, उन्होंने सीधे वो उस वहाँ जो वो थे वहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड वगैरह थे, वो थे यानी कि पंथी जी थे वहाँ पर, उनको ही इन्फॉर्मेशन किया उन्होंने, उनसे कहा कि आप वो गेट वगैरह सब खुला दीजिए करके, हम गाड़ी लेके जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि जितना हम लोग जानते हैं कि ढिकाला के अंदर सूर्यास्त के बाद में आप बाहर गाड़ी ले जा नहीं सकते हैं। हाँ, ये आपका जो इंसिडेंट, हाँ 6 बजे का वो समय था उसका टाइम का जी, 6 बजे का फिक्स टाइम था, 3 से 6 चलती थी ना, 6 बजे के बाद सवारी बंद हो जाती। तो आपको रातों रात लेके गए। हाँ, उस टाइम पे तो किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि रास्ते में हाथी मिल रहा है या कोई और हाथी, और वो तो उसमें किस्मत भी ऐसी रही कि सब खाली रानी तो हमेशा भर रहा था, जिप्सी भगाते हुए लेके। हाँ, ले गए बिल्कुल, वो ड्राइवर भी बहुत अच्छा था, और तुरंत आपको रामनगर हॉस्पिटल में एडमिट कर। हाँ हाँ हाँ,
है वो लाए, नहीं एडमिन ईमेल को सीधे फिर लेके टीआरसी, टीआरसी में हमारे बड़े भाई साहब टीआरसी में ही थे। अच्छा। वो सब वेट कर रहे थे, उन्होंने पूरी व्यवस्था कर रखी थी हॉस्पिटल के, वहाँ के वहाँ की खबर उन्हें दे दी थी वायरलेस, वायरलेस के द्वारा खबर कर दी थी ना। तो वहाँ क्या था, फिर वहाँ से उन्होंने मेरे निकाला था, मेरी तो हालत ऐसी थी, वो नीचे से उन्होंने गद्दा रखा हुआ था, गद्दे के ऊपर मेरे को कहा था गद्दा पूरा खून से लथपथ था, इधर खून था, सब वो हो रहा था बिल्कुल बेकार खून से तब। तो उन्होंने फिर वो सब वहीं फेंका, वो करा, तब उसके बाद वो मेरे को फिर दूसरा उसमें निकाल के तब जाके ले गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल ले गए वहाँ रामनगर, रामनगर में सुविधा तो क्या हुई, कुछ नहीं हुई वहाँ पर, ऐसे ही रखा थोड़ा, टीटनेस वगैरह इंजेक्शन दिए, और फिर उन्होंने मेरी भी सिर का ये तो खुला है का ये मोटे तागे थे उसको, वैसे ही पूरा सिर ये खुला हुआ था, उसे वैसे ही बांध दिया, अंदर उसका कूड़ा ही है, वैसी बाहर से वैसी बात नहीं। उन्होंने आप टांके कर दिए, आपको एनेस्थीसिया देके बेहोश करा था जब वो ये कर रहे थे, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है, तो आपको तो बहुत दर्द हुआ होगा। ना ना बेहोश किया था, मेरे को होश नहीं है, वो बाद में ऐसा किया, ये सब बताया ये सुशला तिवारी हॉस्पिटल में, जब यहाँ लाए ना तब उन्होंने कहा इनका तो इस तरह से गलत तरह से इन्हें बता गया, अंदर सफाई नहीं हुई है और बाहर से इन्होंने टांके लगा दिए, ये तो और भी गलत हो गया। तो फिर उन्होंने पूरा खोला वहाँ, पूरी सफाई की, मैं होश में मेरे को कभी कभी आता था, वो पिचकारी टाइप की डाले थे यहाँ से यहाँ पानी पानी, तो उसका कुछ लग रहा था मेरे को जी। अनुभव हो रहा था, बाकी मेरे को कोई अनुभव नहीं था वैसे तो। उसमें भाई साहब बोल के उनके साथ साथी में थे मेरे, शाम को 5 बजे तक वो पूरा ऑपरेशन हो पाया, शाम तक, सुबह से शाम लगी थी उसमें, शाम तक हो पाया था, तब ऑपरेशन करके तब उन्होंने बाहर रखा, तब तो भाई साहब भी साथ ही ऑपरेशन में ही थे वहीं अंदर। तो पांडे जी देखा जाए तो पहले आपको ढिकाला कैंपस से रामनगर अस्पताल लेके गए, रामनगर से आपको सुशीला चालक अस्पताल, और फिर अंत में मैंने ये भी सुना कि आपको दिल्ली के एम्स अस्पताल। एम्स में, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, वो सुशीला तिवारी में जब मेरे पीछे जो था इस साइड में एक घाव था, वो घाव भर नहीं रहा था, अंदर तक उसका यह इस साइड में गड्ढा हो गया था अंदर तक, एम्स में यहाँ नहीं हो पाया था, तो उन्होंने मेरे को यहाँ से एम्स रेफर कर दिया था। एम्स में 1-1.5 महीने तक मेरा इलाज चला, और 1-1.5 महीने इलाज करने के बाद में कुछ सही आया अपनी जगह में, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी निगम ने, कुमार डिपार्टमेंट ने 2005 में मैं संविदा था, आज तक इन्होंने मेरे को परमानेंट नहीं किया, ये सब होने के बाद भी संविदा में ही रखा है, और उसकी वजह से मैं अपना इलाज भी नहीं कर पाया ढंग से, क्योंकि पैसे की कमी थी। संविदा में तनख्वाह क्या है, उसमें 5-6 हज़ार मिलती थी, अब 10-12 हज़ार इसमें मिलती है, तो उसमें अपने बीवी बच्चों का ध्यान रखो या दवा खाओ, ये तो कोई समस्या ही नहीं, बहुत बड़ी समस्या हुई, तो इसलिए मैं अच्छे से अपना करियर यानी कि ध्यान नहीं रख पाया ढंग से, इसलिए। और इसमें मेरी आँखें काफ़ी वीकनेस हो गई हैं, काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं, आँखों से बहुत कम देख पाता हूँ मैं, क्योंकि पीछे से जो गड्ढा हुआ था ना उसका असर इसमें ज़्यादा हुआ था। पांडे जी, अक्सर ऐसा कोई बड़ा हादसा जब किसी के साथ होता है तो सबसे पहले हमें अपने परिवार के लोगों के बारे में ख्याल आता है। हम जानना चाहते हैं कि सबसे पहले आपके परिवार तक इस दुखद घटना की खबर कैसे पहुंची? बड़े भाई साहब तो मेरे रामनगर में थे उस समय, बड़े भाई साहब रामनगर, सब व्यवस्था वही देख रहे थे, वही कर रहे थे, और सुबह जब सुशीला तिवारी लाने के बावजूद जब लागे थे, उसके बाद उन्होंने पहले उन्होंने अपने छोटे भाई को फ़ोन किया, मेरे से बड़े हुए 3 भाई थे हम, मेरे से उनसे छोटे और मेरे से बड़े, उन्हें इन्फॉर्मेशन किया, उन्हें सूचना दी ऐसा ऐसा हो गया करके, तो वो आए वहाँ सबको जने, उन्होंने फिर अपने भाभी को उनको उनको बोल दिया था थोड़ा बहुत, फिर लास्ट में डिसाइड करके उन्होंने औरों को भी बताया, उन्होंने कहा बताना तो पड़ेगा करके, औरों को मिसेज वगैरह को उसमें नहीं बताया उन्होंने, उसको वहाँ से आने के बाद सुशीला तिवारी गए आए, तब शाम को वापिस आए, तब उसके बाद बताया घर वालों को। खैर मैं समझता हूँ कि आपके घावों को देख के खर्चा तो बहुत ज़्यादा ही आया होगा, क्योंकि आपने जिस तरीके से बताया कि आपके सर पे चोट लगी, कंधे बहुत ज़्यादा खर्चा है सर। अब ये तो जो है ना हमारे भाई बहन हैं और ये हैं, कुछ बाहर के लोगों ने भी सहायता की इसमें, बल्कि कुछ टूरिस्ट बाहर से आए थे जी। जो आए थे उन्होंने कहानी सुनी, वो सुनी बाद में उन्हें मालूम चला, उन्होंने भी अपने ओर से सहायता की। वंडरफुल। हाँ वो मेरे को कुछ पैसा दे गई, वहीं दे जाते थे रामनगर में, वहाँ आते थे। इंसानियत खत्म नहीं हुई है? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरी की है मदद, की है तो मैं कैसे बोल सकता हूँ, उन्होंने मदद बिल्कुल की। इसी के साथ में
एनजीओज जो हैं इतने, और जो टाइगर कॉन्जर्वेशन से रिलेटेड जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो काम करती हैं, क्या वो कभी आप तक पहुंचे थे इस हादसे को सुनने के बाद में, इस हादसे को जानने के बाद में जो घटना आपके सामने घटी थी, आपकी मदद करने के लिए? ना, ऐसे मेरे पास तो कोई नहीं आया। एक बार मेरे पास वो आज तक वाले वो आए थे, उन्होंने इंटरव्यू लिया था, उन्होंने वो और ऐसा ज़्यादा और अधिकतर कोई लोग नहीं आए। पांडे जी, चलिए थोड़ा ढिकाला के बारे में बात करते हैं और थोड़ा टाइगर के बारे में बात करते हैं। 2005 में फेंसिंग लगने से पहले की बात करते हैं, क्योंकि आपने अपने बहुत कीमती साल वहाँ पे बिताए हैं, आपने काफ़ी काम भी किया है, और आप ढिकाला को हम सबसे ज़्यादा जानते हैं। आपने ढिकाला को उस टाइम से देखा जब वहाँ पे कोई फेंसिंग नहीं होती थी, तो हम ये जानना चाहेंगे कि उस टाइम पे जब फेंसिंग नहीं होती थी तो जानवरों का, जैसे टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया, डियर्स हो गए, इनका जो आना जाना था, क्या वो पूरा कैंपस के अंदर तक आ जाया करते थे रात को? हाँ, वो रात को आ जाया करते थे, लेकिन उसमें अधिकतर आते थे हाथी, हाथियों के झुंड आते थे, जो कि कैंटीन के इधर उधर सब तोड़ फोड़ करते थे, सामान भी अंदर से बाहर पकड़ते थे, पानी डालते थे, काफ़ी नुकसान भी करते थे। हाथी अंदर आते थे, मीन वो टाइगर वगैरह तो उतने अंदर का नहीं था, लेकिन अगल बगल इधर आते थे, पानी नीचे पानी था, पानी के पास रहते थे, ऊपर आते थे, बगल में खेतों में आते थे, उसके बगल बगल। लेकिन उस समय का ये था कि हाथियों को तो वहाँ पर बम पटाखों से भगा दिया जाता था, और टाइगर वगैरह जो भी थे इनसे, लेकिन उसमें डर भी नहीं थी उनसे, एक मेल टाइप का था इंसान का कि वो आपस में चलते हैं, और वो उस टाइप का हमें बिल्कुल डर नहीं लगता था उन्हें जानवरों से, एक सा वो समझते टाइगर हो कोई हो, लेकिन हम उनके पास तो कभी नहीं गए, लेकिन आसपास हमने अगल बगल बिल्कुल देखा है, एकदम साफ नहीं, काफ़ी टाइगर देखे वहाँ पर जितने भी थे, और उस समय तक खुला था तो जानवर अंदर आते ही थे। तो पांडे जी, 2000 से 2005 तक आप, आपकी जो परिवार था जो आपका, वो रामनगर में ही रहा करता था जब आप कैंटीन के अंदर काम? ना, परिवार मेरा यही था रानीबाग में, मैं अकेले रामनगर में था, वहाँ रहते थे। और फिर जब ये सब हुआ उसके बाद में आप परमानेंटली फिर इधर ही आके? हाँ, वहाँ मेरी तबीयत भी ज्यादा खराब होने लगी थी। पहले तो मैं 2006 से 2014-15 तक वहीं था, तब तबीयत ठीक थी थोड़ा, तो कार भी चलते रहा थे, उस सुविधा ठीक था मैं, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि जो महंगी दवाई थी वो मैं ले नहीं पाया, हल्की दवाई मैंने ली थी, और आंखों की दवाई वहाँ से चेन्नई भी दिखाया था एक बार, कोई डॉक्टर में ले गए थे वहाँ, तो उन्होंने भी दवा वगैरह वहाँ से बताई थी, उसकी काफ़ी महंगी, वो दवा तुम्हारी 2-2.5 हज़ार रुपये की थी, एक गोली थी ऐसी कुछ टाइप की थी, वो मैंने कहा इतनी महंगी दवाई तो मैं खा नहीं सकता। तो फिर उसके बाद मैंने वो दवा वगैरह तो नहीं ली, वो भी वही उसी चक्कर से, पर एक आँखों की ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, मेरी आँखें ज़्यादा कमज़ोर हुई उसी से, धीरे धीरे आँखें ये क्या हुई, उसका जो टाइगर ने तब यहाँ से दांत गड़ाए ना अंदर, यहाँ पे मेरा बहुत बड़ा ये है ना, इस साइड में ये यहाँ पर एक गड्ढा है, ये गड्ढा जो है यहाँ भरा भी अंदर सिलसिला है, इसी चक्कर में MCB भेजा उन्होंने कहा ये तो ठीक हो नहीं रहा, अंदर को गड्ढा होने लगा था ठीक करने की जगह में। बेसिकली जो सर की पीछे की हड्डी है उसमें भी क्रैक आया होगा? करेक्ट, पूरा एक ये तो पूरा उन्होंने वो किया ना, हड्डी तो उन्होंने हड्डी यहाँ पर ही, उसके तो दांत थे ना बड़ा, एक दांत जो बड़ा दांत है वो दांत अंदर गया था इसके, वो दांत अंदर तक उसने इसमें दांत डाल दिया था, लेकिन इसको तोड़ नहीं पाया वो दांत थोड़ा, वो तो उसी में होश आने से मैं चिल्लाया तो, लेकिन सबसे मजे की बात ये थी, टाइगर ने जब मेरे चिल्लाने के बाद उसने बिल्कुल मेरे को काटना छोड़ दिया, बिल्कुल भी छोड़ दिया, वो सीधे सुन हो गया, बिल्कुल बैठ गया, उसने कहा ये ऐसी आवाज़ आ रही है यहाँ क्या सोचा, और मैं इसलिए मैं मुंह से आवाज़ निकालते रहा, बोलते रहा जब तक वो थी मैं बोलते रहा, और जहाँ से मैंने बोलना शुरू किया तब से उसने मेरे को बिल्कुल एक रत्ती भी निकाला, इसलिए कहीं ना कहीं बिल्कुल निकाला मेरे बोलने आवाज़ निकलने के बाद, जब तक आवाज़ निकली तभी तक काटा था उसने। पांडे जी, मैंने आपसे पूरे हादसे के बारे में तो पूछ लिया कि वो कैसे घटा था, अब मैं अपने लिए भी और अपने दर्शकों के लिए ये जानना चाहूँगा कि टाइगर कितना शक्तिशाली है, जब पहली बार उसने आपकी एड़ी पकड़ी थी उसकी जो पावर होती है, कितना मतलब कितना दम होता है उस जानवर के अंदर कि वो कि मतलब मैं मेरे को खुद शब्द नहीं मिल रहे कि मैं उसको कैसे डिस्क्राइब करूँ,
आप शायद मेरा सवाल का मतलब समझ गए होंगे कि उसकी पावर कितनी की जब उसने आपको पकड़ा, या वो गुर्राया, या वो कैसा था कि जैसे हम बोलते हैं कि शेर शेर ही होता है, बाघ बाघ ही होता है, तो मैं उसकी ताकत के बारे में आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा। उसकी पावर तो सर मैंने बाहर आके देखी जब उसने दोनों हाथों से मेरे इधर दोनों साइड जकड़ लिया था, और मैं जबकि मेरे अंदर उसमें काफ़ी ताकत थी, उसके बावजूद मैं ऐसे हिल डुल नहीं सका। उसके हाथों में इतनी ताकत थी कि उसने मेरे को ऐसे जकड़ा और मेरे को बिल्कुल इधर इधर हिलने तक नहीं दिया, जाम कर दिया, बिल्कुल जाम कर दिया था एक ही जगह पर खड़े ऐसे। तो अब इसी लगा सकता हूँ कितनी ताकत होगी, ताकत तो फुल बहुत ज़्यादा ताकत है सर। और अंधेरे में कहीं आपको उसका कोई चेहरा या कुछ दिखा? चेहरा दिखा ना, यहाँ से जब उसने मेरे को ये दोनों हाथों में जब वो कर दिया तो मेरे यहाँ से और यहाँ से किया, तो उसने अपना मुंह यहाँ से यहाँ डाला, यहाँ से आगे आगे जब उसका मुंह आगे आया ऐसे गुजरा के, उसका मुंह देख के शायद उसका मेरे को वैसे डर नहीं लगे उसके मुंह से भी। अच्छा, डर नहीं लगे उसमें, ये था ऐसे वैसे डर नहीं थी, लेकिन उसका मुँह देखने किससे मेरे आवाज़ बंद होगी सिर्फ, वो कुछ साइकिल ली या पता नहीं क्या बात हुई या क्या हुआ कि मुंह से मैं चिल्लाऊँ तो उतना काटने के बावजूद ही मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकली। मैं मुंह ऐसा खुला का खुला मेरा मुंह है लेकिन आवाज़ बाहर नहीं फूट रही है। हम लोगों ने हमेशा नोटिस करा है कि जितने भी जो जैसे टाइगर्स हो गए, लेपर्ड्स हो गए, लायंस हो गए, ये चाहे जानवर का शिकार करे या एक इंसान का शिकार करे, ये सबसे पहले आपके गले के लिए जाते हैं, यहाँ व्यवहार करते हैं। उस दौरान वो आपके यहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहा था, आपको ऐसा महसूस हुआ था? ऐसे कर रहा था, लेकिन वो ये रही कि वहाँ पकड़ने के बाद नीचे जब मैं आया तो मैंने अपने सिर को हमेशा नीचे ही रखा, नीचे ही रखा। तो मैं उस साइकोन है ना नीचे ही रहा था जब तक मैं होश में था। होश में आने के बाद भी किस्मत ये ठीक रही कि वो मेरे जब नीचे भी ले गया तो मैं उल्टा ही था, नाली में भी जब ले गया था ना कि वो उल्टा नहीं पीछे से काटा, उल्टा ही था, मैं होश में आने तक उल्टा था, इसलिए वो गला इधर नहीं पकड़ पाया मैंने। उसने सिर्फ ये कंधे तक यहीं तक पहुंचवाया, ये कंधा उसने तोड़ा है मेरा, ये कंधा अब नहीं है काम का, ये ऊपर हाथ नहीं उठता है बिल्कुल। अभी भी आपको दर्द तो होता? दर्द होते हैं, ये हाथ तो बिल्कुल ऐसे ही रहता है, नीचे नीचे काम करता है, इतना ही ऊपर को नहीं आता बिल्कुल। मतलब फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जैसा पांडे जी ने बताया कि उनका ये बायां कंधा काम नहीं करता है, टांग में मैंने खुद देखा है ये, मतलब किस तरीके से उस बाघिन ने इनको दबोचा और हमने दांत गड़ा दिए, प्लस इन्होंने अपने सर की इंजरीज हमें दिखाई हैं, सो इट्स ब्रूटल। ये मैं इसलिए, जितने भी टूरिस्ट किसी भी नेशनल पार्क में जाते हैं, मेरी उनसे एक हाथ छोड़ के दरख्वास्त है कि कभी भी आप जंगल को मजाक में मत लीजिएगा। हम मस्ती मजाक करते हैं जिप्सियों में बैठ के, हम टाइगर के बारे में बहुत चीज़ें बोलते हैं, अच्छी भी बोलते हैं, बुरी भी बोलते हैं, कभी कभी हम उसको लेके मजाक भी करते हैं कि वो सामने आएगा, वो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन जब वो सामने आता है, जितना मैंने देखा है, किसी की हिम्मत नहीं होती कुछ बोलने की जब वो सामने आता है। पांडे जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, सत्य है ये बात, सत्य है। हम जितना मजाक उड़ा ले, आगे पीछे कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन एक बार वो जब सामने आता है तो वो दिखा के जाता है कि वो क्या चीज है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सत्य है। आप एक टूरिस्ट के नाते जंगल में पैदल मत चलिए, आप जिप्सी से मत उतरिए, आप सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कीजिए। मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि इसमें मेरे हिसाब से भी पांडे जी की भी कोई गलती नहीं थी, अगर वहाँ पे पहले से ही फेंसिंग लगी होती तो शायद ये हादसा नहीं हुआ था पांडे जी के साथ में, बट जैसे कि बोला जाता है कि होनी को कौन टाल सकता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा अगर आपकी इजाज़त है तो। हाँ बताइए। क्या आप चाहते थे कि आपके उस हादसे के बाद में कोविड प्रशासन उस बाघिन का शिकार करे, उसे मारे? ना, क्या आप इसमें टाइगर को दोष देना चाहेंगे? नहीं सर, नहीं, टाइगर को दोष ले नहीं देना चाहता हूँ। जब मेरा उसने अटैक किया तो मेरे से पहले भी कैंटीन का एक कर्मचारी था, उसको उन्होंने भेजा मेरे पास कि उसको बुला लाओ करके, वो एक बार मेरे पास आया, फिर मैंने उसको लौटा दिया, फिर दोबारा आया, फिर मैंने कहा चलो अब जाना ही पड़ेगा, रात को ट्विस्ट का है या क्या है, पहले तो मैंने कहा बंद होगी दुकान, बंद होगी का वो सुबह को लेना ट्विस्ट में, तो उसने कहा भी नहीं, वो कह रहे हैं मैनेजर साहब उनको बुला के लाओ देना है, तो चलो फिर मैंने कहा फिर उनके साथ, तो दो तीन रोड हमारे इधर उधर आने में शायद कहीं से वैगनर में कोई जानवर या कोई है अंधेरे में, वो इसलिए इधर उधर आने के चक्कर में उसने उसी ने वो रही,
फिर उसने फिर जब मैं अंदर भी आया तो उसने ये लगाया कि क्योंकि वहाँ का बल्ब भी किसने फ्यूज कर दिया था, वहाँ का बल्ब भी कोई कभी कोई निकाल ले जाते थे, कभी कुछ करते थे, क्योंकि अलग से था ना। तो वहाँ पर बल्ब नहीं था, नहीं तो बल्ब ही जलता था बाहर से। तो वो उसने वो जो यहाँ से टूटा हुआ था गैलरी अंदर से ना टूटा, वहीं से आया अंदर आके, तो उसने मेरे पर अटक किया। उसने सुना कोई जानवर है, पहले मैं अटक किया, जब अगर मेरी आवाज़ वहीं निकल जाती ना वो शायद फिर छोड़ लेता। आवाज़ पहले नहीं निकली, वही गलती। तो आप कभी नहीं चाहते थे कि कॉर्पोरेट प्रशासन उसका शिकार करे? हाँ, ना ना शिकार करने ट्रैंकुलाइज करके कैप्चर करके मैनीटर घोषित करके। हम तो उनको रोज देखते थे ना, हम तो उनको रोज देते थे जी, तो हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं उन्हें, कभी भी नहीं हुआ था ऐसा। ना ना, और वो तो हमारे सामने हमने कितनों को किल करते हुए देखा था, हीनर उनको उनका किल करते थे, शिकार करते थे खुद। ये नीचे ग्रासलैंड थी पूरी, पूरा ग्रासलैंड, हाँ ग्रासलैंड है। तो उसमें हम ऊपर से कैंट के ऊपर इधर बैठे रहते थे और अपने सामने में दिखाई देता था। जैसे कि ये है, हाँ, जैसे कि वो डिकाला का जो डेक है, हाँ, ऐतिहासिक जो बड़ी वाली कैंटीन के सामने, हाँ, है, हाँ, बस ग्रासलैंड, हाँ, वो बड़े कैंटीन, बस बस वहीं से हम बैठ के कुर्सी में बैठ के वो बैठ के देखते थे नज़ारा शाम के टाइम में, तो पूरा दिखाई देता था, कभी हाथियों का कभी उनका, बहुत अच्छा लगता था। अब तो पूरा पानी भर जाता है वहाँ पे। अब तो पानी भरता है, उसमें पानी भी नहीं था ना। अच्छा, उस टाइम पानी भी नहीं था। उस समय पानी नहीं था, तो मई जून के समय में पानी कहाँ रहेगा। चलिए, ये मेरे को जान के बहुत खुशी हुई पांडे जी के आप टाइगर को आपने दोष नहीं दिया इस बारे में, और आप नहीं चाहते थे कि कॉर्पोरेट प्रशासन उसको मारे, क्योंकि उसके साथ में 3 बच्चे भी थे। और ये ऊपर वाले की दुआ है और उनका आशीर्वाद है कि बच्चों ने आपके ऊपर हमला नहीं किया। हाँ, बच्चों ने नहीं किया, बच्चे नहीं आए। और बच्चे भी सुनने में आए थे, कम से कम वो 1.25 साल के बड़े हो गए थे। बड़े हो गए थे, हाँ, बड़े हो गए थे। वो बच्चे तब आते ना जब वो ज्यादा वो मेरे को किल पूरा कर देते, तब ले आते, तो तब आते बच्चे वो रात में। तो यही होगा एक उनका मेरे ख्याल से। आपका हादसा हुआ 26 मई को, हाँ, 27 मई अगले दिन की बात है। आपको एक कॉर्बेट पार्क के मशहूर फॉरेस्ट गार्ड, उनका नाम आप जरूर जानते होंगे, जिनको प्यार से मिनी जिम कॉर्बेट भी बोला जाता है, ठाकुरदास जोशी। हाँ जी, ठाकुरदास जोशी जी, हाँ। वो उन्होंने बताया था कि आपके हमले के अगले दिन ही, अगली रात को ही उसी टाइग्रेस ने उनके ऊपर भी हमला किया। वो ऊपर चढ़ती थी और इस तरह से हमला करते रहती थी कुछ समय तक, क्योंकि ये माना गया था कि पांडे जी के हादसे के बाद वो बाघिन हर रोज अपने शावकों के साथ में डिकाला कैंपस के आजू बाजू दिखाई देती थी। अब ये कोई नहीं जानता कि क्या इंसानी खून पूरी तरीके से उसके मुंह में लग गया था या वो इंसान की तलाश में थी। ये अभी तक उसको कॉर्बेट प्रशासन ने मैनेटर भी आदमखोर भी डिक्लेयर नहीं किया था, क्योंकि एक उसका प्रोटोकॉल होता है कि एक टाइगर को आदमखोर डिक्लेयर करेंगे तो वो एक इंसिडेंट की वजह से नहीं कर सकते। हाँ, उसको कम से कम ज्यादा कुछ करना होगा तो ही जाके उसको घोषित कर सकते। जैसे कि सुंदरखाल गाँव के अंदर 2010 के अंदर हुआ था, पहली बार जब उस टाइगर ने वहां पे मारा था लोगों को, तो तब उसको आदम को डिक्लेयर नहीं किया था। उसने जब 6-7 लोगों की जान ले ली थी, उसके बाद ही शासन ने उसको आदम को डिक्लेयर करा था और फिर उसको उसका शिकार किया गया था। तो ये था पांडे जी, इसमें ना कहानी में बहुत से पहलू हैं आपके, जो आपका जो हादसा हुआ है, जो मैंने इंटरनेट पर सर्च भी करी है, जो मैंने लोगों से पूछा भी है, लोगों के अलग अलग विचार हैं आपके हादसे को लेकर। कोई बोलता है कि वो टाइग्रेस नहीं थी, वो टाइग्रेस का बच्चा था, उसने पांडे जी के ऊपर चपटा, एक ये हो गया पहलू। दूसरा हो गया, लोग बोल रहे हैं कि कैंपस के अंदर एक हिरन, उन्होंने अच्छी से शायद मेरे को देखा नहीं होगा। हाँ, जो लोग बोलते हैं कि बच्चे ने अटैक किया, शायद उन लोगों ने मुझे देखा नहीं होगा, क्योंकि मेरे जो एक यहाँ इस साइड में तो दांत अंदर गड़ा हुआ था, जो यहाँ पर गड्ढा था उसको सिर्फ जिसने देखा वो डॉक्टर वही बता सकते हैं कि वो कौन कितनी बड़ी टाइगर रही होगी या कितना बड़ा वो रहा होगा, जिसने मतलब यानी कि बच्चे का तो बच्चा तो इतना अटक कर नहीं सकता। मेरी खुद ही हाइट और लंबाई इतनी बड़ी जाएगी बच्चे के, मेरे यहाँ तक पहुँच नहीं पाता पहले तो खड़े हो गए। इसलिए जो बच्चे वाले हैं वो बात गलत है, थी टाइगर ही, क्योंकि उसने दोनों हाथों से जब मेरे को इतना जाम कर पकड़ लिया, पूरा ऐसे करके दबा दिया, क्या ये बच्चा थे क्या मेरे को ऐसे दबा पाता, ऐसे करके छोटे में दोनों में ये बच्चा तो इतना निकाल, इतना तो मैं भी उसमें ठीक था, शरीर से अच्छा ही था और ताकत भी थी, और ऐसा भी नहीं है कि ये छोटा बच्चा मेरे को ऐसे करके दबा देता और मैं उसको देखता। टाइगर के बच्चे को मैंने भी देखे थे, मैं भी देखता था कितने बड़े हो रहे क्या है करके, ठीक थे वो 1 साल के लगभग थे, लेकिन ठीक थे, ऐसा नहीं थे कि शिकार कर सकें।
बड़ा शिकार, छोटे शिकार कर सकते थे, बड़ा शिकार नहीं कर सकते। तो हम अभी जुड़ चुके हैं, पांडे जी की मिसेज हमारे साथ में आ चुकी हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे उस हादसे के बारे में। तो नमस्ते माँ जी, मेरा नाम ध्रुव है और मैं दिल्ली से आया हूँ। मैं पांडे जी का इंटरव्यू ले रहा था जो उनके साथ 2005 में जो घटना घटी गई थी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब पहली मर्तबा जब आपको खबर मिली थी कि पांडे जी के साथ में ऐसी घटना हो चुकी है, आपका पहले फर्स्ट रिएक्शन मतलब कैसा था जब आपको वो खबर मिली थी? हमको तो बहुत देर के बाद मिली खबर, इनको हल्द्वानी ला चुकी थी जी सुशीला तिवारी में, उसके बाद 4-5 बजे के टाइम में उस टाइम में मिली खबर। तो फिर ऐसा ही सुन के क्या होता है, फिर बेहोश हो गई थी एकदम, बेहोश टाइप की हो गई थी मुझ समय, फिर उसे बड़ी मुश्किल से अपने को संभाला मैंने, ऐसे वहीं गई फिर इनको देखने के लिए हल्द्वानी सुशीला तिवारी पर। नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि उस दौरान आप पे क्या बीती होगी। हाँ, ये मेरे लिए बहुत आसान होगा आप दोनों से ये सवाल पूछना, लेकिन इसका जवाब जो है देना उतना ही मुश्किल है कि ये तो फिर मुश्किल जवाब देना तो मुश्किल हुआ ना, घटना ही वैसी हुई थी। तो फिर बाद में मुझे पता चला था कि आप दिल्ली भी गई थी इनको देखने के लिए। हाँ, एम्स के अस्पताल में। हाँ, एंड मेरे को पांडे जी ने बताया भी था कि आप काफ़ी वहाँ पे एकदम चकित रह गई थी, एकदम घबरा गई थी जब आपने इनको पहली बार देखा, जब इनको लाया गया था, मतलब एकदम खून से लथपथ और इतनी इंजरीज हुई थी इनकी। बट देखो वो कहते हैं ना कि जाखोर आके सैया मार सके ना कोई, मतलब इतने बड़े, मतलब हिंदुस्तान का जो राष्ट्रीय प्राणी है, जिसको जिसको हम एक तरीके से कहते हैं कि माता रानी का वाहन भी है ये तो, और जिसको हम सब इतना प्यार करते हैं, लेकिन उसके हाथों भी कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसका जिसका उत्तर से किसी के पास नहीं है। तो पांडे जी अब तो कितने लगभग 17 साल हो गए होंगे उस हादसे को। आपको ढिकाला की और कॉर्बेट पार्क की याद आती है अभी भी? हाँ, याद तो आती है। आपके दोस्त लोग अभी भी हैं वहाँ? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से लोग होंगे। याद तो आती है, याद तो कभी कभी कोई कुछ बातों को याद करके करके, या होली होती थी हम होली खेलते थे साथ में, वो करते थे वही कॉर्बेट के अंदर भी, और ऐसी कुछ बातें तो होती हैं जो हमें याद आती है। वैसे ढिकाला बहुत ही खूबसूरत जगह है। हाँ, मैं अभी इस बारी गया था शूट करके आया था, तो मैंने 6-6 टाइगर देखे। अब तो पांडे जी बहुत चेंज हो गए, अब तो मतलब कैंपस के बाहर ही दिख रहा है। मैं जिस दिन पहुंचा था कैंपस का जो मेन गेट है, ऐसा गाड़ियां घुसती हैं उसके बाहर शिकार कर दिया टाइगर ने। अच्छा, हाँ, एक अभी इस टाइम पे बहुत फेमस टाइग्रेस चल रही है वहाँ की। हाँ, वो तो पार है जो नदी पार है। हाँ, हाँ, नदी पार, उसकी छोटी बच्ची आ गई आजकल, वो डोमिनेट कर रही है। और एक आ गई ग्रासलैंड वाली, उसके 3 बच्चे हैं, और वो भी कैंपर, वो भी वैसी ही है जैसे जिसने आपके सामने हादसा किया था, जो कैंपस के इर्द गिर्द घूमती रहती थी, ये भी वही घूमती है बच्चों के साथ में, और बहुत प्यारी है। बच्चे भी बड़े हो गए, 1.25 साल के हो गए, काफी मतलब भयंकर है दिखने में। तो ये बहुत बहुत मजा आता है, लेकिन अभी भी जब भी मैं आपके हादसे को सोचता हूँ तो सही में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब आप सोचिए कि जो हादसा इनके साथ में हुआ, अगर वो मेरे साथ या आपके साथ या किसी और के साथ में भी अगर हुआ होता तो कैसा वो भयानक मंजर होता, आप उसके बारे में कैसे सोचते? सोच के ही सर रूह काम जाती है। लेकिन फिर भी हमने जैसे कहा है कि जाखोर आके साइयां मार सके ना कोई, ऊपर वाले के आशीर्वाद से आज पांडे जी एकदम सही सलामत हैं और हमारे बीच में मौजूद हैं। तो इसी के साथ पांडे जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो, हमें आपका टाइम देने के लिए। थैंक यू, बहुत मजा आया आपसे बात करके। और फाइनली हम सबको पता चला कि उस दिन रात को जो हुआ वो कैसे हुआ और क्या हुआ। जी जी, थैंक यू सो मच। अब मैं आपकी इजाज़त लेना चाहूँगा। बिल्कुल, थैंक यू।